नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर गोल बाजार चौक तीजा में गणेश चतुर्थी उत्सव का असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग इस त्योहार की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में फूलों की दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। बता दें कि बरसात बंद होने के कारण लोग सुबह ही बाजारों में भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, जिससे गोल बाजार चौक ट्रैफिक जाम हो गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मनीष यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी तट के डुबान क्षेत्रों में बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर रजत बंसल ने सभी मैदानी अमलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने डुबान क्षेत्र के लोगों को राहत शिविर में रखने को कहा है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के डुबान वाले स्थानों के जर्जर मकान वाले रहवासियों को हटवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सभी वार्डों में निगम के अमलों को तैनात कर जलभराव की स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश निगम आयुक्त को दिए गए। बैठक में नगर सेना के अधिकारी से बाढ़ राहत आपदा हेतु तैयारियों की जानकारी लेकर नाव की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना के मरीजों की शिफ्टिंग, होम आइसोलेशन की व्यवस्था, कोरोना टेस्ट की जानकारी, CMHO के लिए और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अपर कलेक्टर अरविंद इक्का ने इंद्रावती नदी पर बने पुराने पुल में बाढ़ की स्थिति का अवलोकन करने के लिए पहुंच गए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए मनीष यादव की रिपोर्ट। मैं इंडिया 24/7 लाइव से मनीष यादव। आप देख रहे हैं इंद्रावती का छोटा पुल है जो पूरा ये भर गया है। ये पूरे घरे हैं, यहाँ का पूरे पानी अंदर आ गई है। कल यहाँ पर कलेक्टर जी आए थे, रजत बंसल जी ने दौरा किया है अपना और यहाँ के लोगों को दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए कहा है और यहाँ से आधे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी करा गया है। ये पानी आप देख रहे हो, चार दिन की लगातार बारिश में ये पूरी पुल भर गई है। यहाँ पे आने जाने लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे रहने वाले लोगों को छोटे मोटे जो घर में रहते, पूरी पानी घर के अंदर चले गई है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।